दोस्तों आप भी रोहित शर्मा को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने तीसरे दिन के खेल में एक ऐसा शानदार छक्का जड़ा जिसके देखने के बाद तो सभी दर्शकों के साथ साथ भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के भी होश उड़ गए और उन्होंने ऐसा क्या बयान दे डाला जिसको सुनने के बाद तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको क्या कहा रोहित शर्मा के एक छक्के को देखकर सहवाग ने। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन बेहतरीन बल्लेबाज है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले की शुरुआत 25 अगस्त से हो चुकी है। इस मुकाबले में अब तक दो दिन का खेल हो चुका है जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बड़ा ही निराशाजनक रहा है। पहले तो बल्लेबाजों ने उनसे लगाई जा रही सारी उम्मीदों पर पानी फेरा और वो 78 रनों पर ऑल आउट हो गए और इसके बाद गेंदबाजों ने रन पानी की तरफ बहाए और भारतीय टीम पर 345 रनों की बढ़त बना चुके थे। अब सारा काम भारतीय टीम के बल्लेबाजों को करना था, उन्हें पहले तो इस विशालकाय लीड को उतारना था, फिर इसके बाद इंग्लैंड के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखना था। लेकिन दोस्तों अब भारतीय टीम के बल्लेबाजों के पास एक अच्छा खासा मौका है इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करके वापसी करने का और सबसे शानदार मौका होगा भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के पास, जिन्होंने पहली पारी में तो कुछ खास प्रदर्शन करके नहीं दिखाया था लेकिन वो दूसरी पारी में अपनी जांबाज बल्लेबाजी से भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो अब तक अर्धशतक का आंकड़ा छू चुके हैं और वो अब जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेंगे और उनके बल्लेबाजी का कहर आज अंग्रेजी गेंदबाजों पर जमकर टूटेगा। दोस्तों बता दें जब रोहित शर्मा पूरी आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे तभी उन्होंने ओली रॉबिन्स की गेंद पर इतना शानदार छक्का जड़ा जिसको देखने के बाद तो सभी अंग्रेज दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गई। बता दें जैसे ही ओली रॉबिन्स रोहित शर्मा को एक खतरनाक बाउंसर गेंद डाली तो रोहित शर्मा इस बाउंसर गेंद से घबराए नहीं और उन्होंने इस गेंद का डटकर सामना करा और स्लिप में खड़े सभी खिलाड़ियों के ऊपर एक बड़ा ही शानदार छक्का जड़ा जिसको देखने के बाद तो गेंदबाज और इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने अपना सर पकड़ लिया था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रोहित शर्मा किस प्रकार की बल्लेबाजी कर पा रहे हैं। दोस्तों बता दें रोहित शर्मा के शानदार छक्के को देखने के बाद भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपने बयान में कहा कि रोहित शर्मा इस मुकाबले में ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हैं जैसे कभी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर किया करते थे। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि वो भारतीय टीम के सबसे शानदार बल्लेबाज है, उनसे बेहतरीन बल्लेबाज टीम में मौजूद नहीं है। उन्होंने ओली रॉबिन्स की गेंद पर जिस तरीके का छक्का जड़ा है उसे देखकर तो उन्हें सचिन तेंदुलकर की याद आ गई क्योंकि सचिन तेंदुलकर ऐसे ही बल्लेबाज थे जो पॉइंट के ऊपर से बाउंसर गेंद को छक्के के लिए जड़ देते थे। ऐसी बल्लेबाजी तो खुद भी नहीं कर पाते थे। जिस तरीके की बल्लेबाजी रोहित शर्मा करके दिखा रहे हैं अभी तक रोहित शर्मा और शतक पर पहुंच गए हैं लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि रोहित शर्मा इस मुकाबले में विदेशी सरजमी पर अपना पहला शतक जड़ेंगे और भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है रोहित शर्मा इस मुकाबले में शतकीय पारी खेल पाएंगे या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।